आज हम बनाने वाले हैं झटपट बनने वाला आलू मटर पुलाव। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत कम समय में। आप इसे 15 मिनट में कुकर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। पुलाव बनाने के लिए गैस जला के कुकर रख दिया है। इसमें हमें 2 चम्मच तेल डालना है। तेल की जगह पे आप घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 10-15 दाने काली मिर्च की और 1 बड़ी इलायची। तेल भी गर्म हो चुका है तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे हल्का सा चटकने देंगे। इसे चला भी देते हैं। जीरा चटक गया है तो इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। खड़े मसालों को भी हमें कुछ सेकेंड भून लेना है ताकि इसकी खुशबू बढ़िया सी आ जाए और इसे भी चला देना है। मसाले बढ़िया से भून गए हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है तो इसमें हम क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। इससे बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। 2 आलू लिए हैं, बड़े टुकड़ों में काट लिया है और इसी के साथ मटर भी डाल देते हैं। ये बिल्कुल ताज़े मटर हैं। आपने यदि फ्रेश मटर लिया है तो बाद में डालिएगा। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 2 टमाटर लिया है, टमाटर को लंबे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर के साथ इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच बिरयानी मसाला। आप इसकी जगह में किचन किंग मसाला या पाव भाजी मसाला भी ले सकते हैं। इन्हें हम 2 मिनट तक भूनते हुए पका लेंगे। जब तक ये भून रहे हैं हम चावल धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास बासमती चावल लिया है। चावलों को हमें धोना है, इसे भिगाकर नहीं रखना है। तो आलू मटर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये 50 से 60% तक पक चुके हैं। इसमें हम फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। 2 प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो फ्रेश प्याज को लहसुन अदरक के साथ ही फ्राई कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर देना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो अब इसमें हम चावल भी डाल देते हैं। चावल को मैंने धो लिया है, इसे भिगाया नहीं है। बस इसे हमें धोना ही है, भिगा कर नहीं रखना है। तो चावल को हमें इसमें डाल देना है। तो ये देखिए मैंने इसे डाल दिया है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि सब्जी और मसाले अच्छे से चावल में लग जाएं। तो ये देखिए चावल को मैंने अच्छे से मिला लिया है सभी मसालों सब्जियों के साथ में। तो अब हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी हमें कितना डालना है तो ये देखिए इस ग्लास से मैंने 1 गिलास चावल लिया है तो हमें इसमें 1.5 गिलास पानी डालना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इतने पानी से बिल्कुल खिला खिला पुलाव बनेगा। तो ये देखिए 1 गिलास पानी लिया है और 1/2 गिलास और लेना है। तो ये देखिए अब चावलों को हमें अच्छे से मिला देना है ताकि सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिला दिया है। अब हमें इसमें नींबू का रस डालना है। नींबू के रस डालने से एक तो पुलाव खिला खिला बनेगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो ज़रूर डालिएगा और इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसकी सीटी भी लगा देते हैं। अब इसे हम 1 सीटी आने तक पकने देंगे। 1 सीटी आ चुकी है, इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पुलाव हमारा बना हुआ है। तो चलिए एक बार इसे निकाल के भी देख लेते हैं। तो इसे हम किनारे से निकालेंगे और ये देखिए कितने बढ़िया खिले खिले पुलाव बने हुए हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है और अब हम इसे ढक्कन लगा के रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देख लेते हैं। एक बार मैंने इसे चला भी दिया था धनिया पत्ती डालने के बाद और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी डाली है, दिखा नहीं पाई थी।
तो अब पुलाव बिल्कुल हमारा अलग अलग हो गया है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है ये देखिए, इसे आप रायता, सालन, सब्जी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन की बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।